फ्रेंड्स, जब हमने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट शुरू किया था तो हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी देखी थी, बराबर? कि ये एप्लीकेबल कब होगा? एप्लीकेबल होगा व्हेन देयर इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, बराबर? जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, क्या होगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा गुड्स या सर्विसेज या दोनों का, तभी सीजीएसटी एक्ट लगेगा। अगर सप्लाई नहीं है तो सीजीएसटी एक्ट नहीं लगेगा। तो ये जो सप्लाई वर्ड है ना फ्रेंड्स, ये सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 7 में ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है। और अब अपने को यही समझना है कि सेक्शन 7 में जो सप्लाई का मीनिंग बताया गया है वो होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय सप्लाई? सप्लाई यानी क्या? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज मेरी एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, मैं मेडिसिन बनाता हूं। सपोज मेरी एक फार्मा कंपनी है, मैं एक मेडिसिन बनाता हूं। अब मेडिसिन पहले मेरे को डॉक्टर्स तक पहुंचानी पड़ेगी एज अ फ्री सैंपल, बराबर? डॉक्टर्स जब उनको पता चलेगा कि ये मेडिसिन बनी है तभी तो डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को वो प्रिस्क्राइब करेंगे। तो मेरी एक फार्मा कंपनी है, मैंने एक मेडिसिन बनाई और मेडिसिन फ्री सैंपल के तौर पर मैंने अपने डॉक्टर्स को बांट दी कि ये देखो, ये मेरी मेडिसिन है। अगर आपको लगता है कि मेडिसिन इस बीमारी में काम करेगी तो आप बिल्कुल अपने अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करिए। तो मेरी एक फार्मा कंपनी है, मैंने फ्री सैंपल्स बांटे हैं मेडिसिन के, फ्री सैंपल्स। क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? अगर आप बोलते हो माना जाएगा तो जीएसटी लगेगा, अगर आप बोलते हो नहीं माना जाएगा तो नहीं लगेगा। तो मेरी एक फार्मा कंपनी है, ठीक है, लिख लेते हैं, मिस्टर जय ने एक फार्मा कंपनी ओपन करी, फार्मा कंपनी जो मेडिसिन बनाती है, मेडिसिन बनी, मेडिसिन जो बनी वो मैंने डॉक्टर्स को एज अ फ्री सैंपल बांट दी। तो ये जो मैंने फ्री सैंपल बांटे, क्या ये फ्री सैंपल को सप्लाई माना जाए या ना माना जाए? वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई, यस और नो? अगर आप बोलते हो यस तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, अगर आप बोलते हो नो तो जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जीएसटी तब लगेगा जब सप्लाई होगा। तो क्या ये फ्री सैंपल्स को, जो मैंने फ्री सैंपल्स डॉक्टर्स को बांटे, वेदर इट शुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई और नॉट? तो इसलिए सेक्शन 7 में फ्रेंड सप्लाई वर्ड को क्या कर दिया गया? डिफाइन, कि अगर ये सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, अगर ये सेक्शन 7 की डेफिनेशन में नहीं आता तो सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल। तो सेक्शन 7 में सप्लाई वर्ड को क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। लेकिन उसके पहले, सेक्शन 7 तो अपन समझेंगे, उसके पहले अपने को तीन टर्म समझने, एक समझना है बिजनेस, दूसरा समझना है गुड्स और तीसरा समझना है सर्विसेज, ठीक है? ये जो गुड्स वर्ड है ना, सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स का होना चाहिए। तो गुड्स वर्ड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। कहां डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स? सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। और ये जो सर्विस वर्ड है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। कहां डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 क्लॉज 102 में। सेक्शन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, सेक्शन 7 में क्या डिफाइंड है? सप्लाई डिफाइंड है। लेकिन सप्लाई समझने के पहले अपने को तीन टर्म समझने हैं। सबसे पहला टर्म है बिजनेस, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 17। कहां डिफाइंड है बिजनेस यानी क्या? इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 17 में। नाउ व्हाट डू मीन बाय बिजनेस? एनी ट्रेड, किसी भी तरीके का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। क्लियर? चाहे आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप कॉमर्स कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे आप प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे आप वोकेशन कर रहे हो, चाहे आप एडवेंचर कर रहे हो, चाहे आप वेजर कर रहे हो और या सिमिलर एक्टिविटी कर रहे हो, वेदर आर नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनियर बेनिफिट, चाहे वो बेनिफिट के लिए हो या ना हो, चाहे उस एक्टिविटी से आपको फायदा हो या ना हो, अगर आपने ट्रेड किया, मैन्युफैक्चर किया, कॉमर्स किया, प्रोफेशन किया, वोकेशन किया, एडवेंचर किया, वेजर किया या सिमिलर एक्टिविटी किया, ठीक
चाहे वो बेनिफिट अराइज हो या बेनिफिट अराइज नहीं हो, वो बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल टू सब क्लॉज ए। तो देखो अभी क्या बोला, चाहे आपने ट्रेड किया, चाहे कॉमर्स किया, चाहे मैन्युफैक्चर किया, चाहे प्रोफेशन किया, चाहे वोकेशन किया, चाहे एडवेंचर किया, वेजर किया और सिमिलर एक्टिविटी करी, तो वो तो बिजनेस है। लेकिन अगर इससे लिंक्ड ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर से लिंक कोई इंसिडेंटल या एंसिलरी एक्टिविटी भी कर रहे हो, उससे लिंक्ड कोई एक्टिविटी भी कर रहे हो, देखो क्या लिखा है, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कनेक्शन विद इंसिडेंटल और एंसिलरी टू क्लॉज ए, क्लॉज ए ये है, तो इससे अलावा इसके जैसी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो भी बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ क्लॉज ए वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, तो ये एक्टिविटीज में चाहे वॉल्यूम हो या ना हो, आप एक बार करो या बार बार करो, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी हो या ना हो, रेगुलरिटी हो या ना हो, एक बार भी किया ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो एक ही बार किया, अगर आप चाहिए एक बार करो या बार बार करो, वॉल्यूम हो या ना हो, फ्रीक्वेंसी हो या ना हो, रेगुलर हो, कंटिन्यूअस हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार बोलती है ये बिजनेस ही माना जाएगा। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, अगर आप गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स यानी प्लांट एंड मशीनरी, अभी आप एग्जांपल मान के चलिए प्लांट एंड मशीनरी, जब अपन कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन देखेंगे तो वहां अपन डिटेल में समझेंगे। अगर आप गुड्स या कैपिटल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो वो भी बिजनेस है। प्रोविजन ऑफ अ क्लब, अगर आप क्लब चलाते होते हैं ना, क्लब्स होते हैं ना, क्लब चलाते हो, कोई एसोसिएशन चला रहे हो, कोई सोसाइटी चला रहे हो या कोई भी बॉडी सिमिलर नेचर की, फैसिलिटीज और बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर, है ना, तो चाहे आप क्लब चला रहे हो, चाहे आप एसोसिएशन चला रहे हो, चाहे आप सोसाइटी चला रहे हो या कोई भी तरीके की बॉडी जिससे आप फैसिलिटीज या बेनिफिट्स दे रहे हो मेंबर्स को, तो क्लब के मेंबर्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को आप कोई तरीके का फायदा पहुंचा रहे हो, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, किसी प्रीमाइसेस में एंट्री करने के लिए आप लोगों से एडमिशन फीस मांग रहे हो, है ना, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे पार्क में जाते हो, किसी पार्क में गए तो आपको टिकट खरीदना पड़ती है, तो कहना ही से किसी प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए मुझे एडमिशन लेना पड़ा, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। आप मूवी देखने जाते हो तो आपको टिकट खरीदना पड़ती है, तो कहना ही से प्रीमाइसेस में एंटर होने के लिए मुझे टिकट लेना पड़ी, एडमिशन करवाना पड़ा, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ पर्सन एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेशन ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन, अगर आप किसी ऑफिस को होल्ड करते हो, किसी पोस्ट पर हो और आप किसी भी तरीके की चीज को सप्लाई कर रहे हो, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रेस क्लब, रेस क्लब होते हैं जहां घोड़े दौड़ते हैं, है ना, हॉर्स रेसिंग होती है, तो वहां पर आप टोटलिस्टर या लाइसेंस टू बुक मेकर, नहीं घोड़े पे लोग पैसा लगाते हैं, तो मान लीजिए आप टोटलिस्टर हो या बुक मेकर हो, मतलब आपके पास लोग आके घोड़े पे पैसा लगा रहे हैं, आपका काम है लोगों से पैसा लेना, आप बुक मेकर हो, बुक मेकर हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके पास लोग आते हैं और बोलते हैं ये घोड़े पे पैसा लगा दो, तो अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो तो वो भी क्या माना जाएगा, बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी लोकल अथॉरिटी कर रही है, इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी कोई एक्टिविटी कर रही है, तो उसे भी बिजनेस माना जाएगा। तो फ्रेंड्स बिजनेस वर्ड डिफाइन का है, बिजनेस वर्ड जो डिफाइन किया गया, बिजनेस वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2, मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 में क्या होती है डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 17 में बिजनेस वर्ड को डिफाइन किया गया। क्लियर, इतनी सारी में से कोई भी आपने एक्टिविटी करी तो उसे बिजनेस माना जाएगा। अब अगली जो डेफिनेशन है वो है गुड्स की डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स वर्ड डिफाइन किया गया। आपको याद होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई किसकी होनी चाहिए, जब सीजीएसटी लगता है इंट्रा स्टेट सप्लाई किसकी होनी चाहिए, गुड्स या सर्विसेज या दोनों की, तो गुड्स यानी क्या, वो डिफाइन कर दिया गया सेक्शन 2 क्लॉज 52 में। इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेंसिल, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ गुड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस माउस, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ गुड। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज नहीं हुआ है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड। क्लियर, क्या लिखा है देखो, इट मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन
अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. तो सिक्योरिटीज यानी क्या हो गया, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स. तो हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है. सिर्फ क्या गुड्स नहीं है, एक तो मनी गुड्स नहीं है, पैसा गुड्स नहीं माना जाएगा. क्योंकि पैसा गुड्स नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा. तो जीएसटी किसके ऊपर है, गुड्स या सर्विसेज के ऊपर है. तो मनी और सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स को भी गुड्स नहीं माना गया है. क्लियर? तो इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, बट includes actionable claims. Actionable claims yane lottery, betting, gambling, ye actionable claims hote hain. Uske baad but includes actionable claims, growing crops, grass and things attached to a forming part of land, grass, things attached to or forming part of land, which are agreed or severed before supply or under the contract of supply, which are severed बिफोर सप्लाई. चलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखिए. जीएसटी लगता है गुड्स या सर्विसेज पर. तो गुड्स यानी क्या, वो डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में. इट मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. हर मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, सिर्फ मनी और सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये गुड्स नहीं है. ठीक है, तो आप याद रखेंगे हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है. शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते. शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स गुड्स में नहीं आते. तो मनी और सिक्योरिटीज नहीं है गुड्स. बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स. लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग गुड्स हैं, बट इंक्लूड्स, देखो वर्ड क्या यूज हुआ है, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं तो जीएसटी लगेगा. ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स होते हैं क्रॉप्स, वो भी गुड्स हैं. ग्रास भी गुड्स है. और एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, और कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच्ड है बट सप्लाई के पहले, किसी को देने के पहले उसको आपको सीवियर करना पड़ता है, आपको हटाना पड़ता है उसको. तो कैन आई से फ्रूट्स आर दी गुड्स और नॉट? यस, बिकॉज इट इज अटैच टू अर्थ, बट सप्लाई करने के पहले उसको काटना पड़ता है, सीवियर करना पड़ता है. क्लियर? तो देखो फिर से, गुड्स वर्ड डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 52 में. एंड एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रेंड्स फिर से, किसी भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, सिर्फ मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है. तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड गुड्स है कि नहीं? नहीं है. पैसा गुड्स है कि नहीं? नहीं है. लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स है. ग्रोइंग क्रॉप्स भी गुड्स है, ग्रास भी गुड्स है, और कोई भी चीज जो अर्थ से अटैच्ड है लेकिन उसको सप्लाई करने के पहले आप उसको सीवियर करते हो, काट देते हो, तो वो भी गुड्स है. तो मुझे बताओ बिल्डिंग गुड्स है कि नहीं? बिल्डिंग नहीं सर, बिल्डिंग गुड्स नहीं है. एक तो वो इमूवेबल है, दूसरा वो अटैच टू अर्थ तो है लेकिन उसको पहले क्या आप सीवियर करते हो बेचने के पहले? नहीं. तो बिल्डिंग इज नॉट अ गुड. क्लियर? तो गुड वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 52 में. फिर अगला वर्ड जो है वो है सर्विस, सर्विसेज, सर्विसेज. सर्विसेज वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 102 में. कहां पर डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 क्लॉज 102 में. सर्विसेज वर्ड को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 102 में. कैसे डिफाइन किया? इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स. इट मींस एनीथिंग, हर चीज सर्विस है, हर चीज अदर देन, किसको छोड़ दो, अदर देन गुड्स, मनी, सिक्योरिटीज. इट मींस एनीथिंग, हर चीज गुड्स है, सिर्फ गुड्स को छोड़. इट मींस एनीथिंग मतलब हर चीज सर्विस है, सिर्फ क्या छोड़ दो, गुड्स को छोड़ दो, क्योंकि गुड्स तो गुड्स है, मनी तो कुछ है ही नहीं, सिक्योरिटीज भी कुछ नहीं है. क्लियर? तो जो गुड्स नहीं है, जो मनी नहीं है, जो सिक्योरिटीज नहीं है, वो सब सर्विस है.
देखो कैसे लिखा, इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनीज एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी. अगर आप पैसे के यूज में हो और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर व्हिच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज्ड. देखो फिर से, इट मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी सिक्योरिटीज. लेकिन अगर आप मनी के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो मतलब आप उसके डिनोमिनेशन को चेंज करके देते हो, करेंसी कन्वर्जन में हो, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, डिनोमिनेशंस को चेंज कर रहे हो, करेंसी कन्वर्जन में हो, तो ये गुड्स माना जाएगा, ये सर्विस मानी जाएगी. मतलब क्या हुआ इसका. सो कोई मिस्टर ए है, ये क्या करता है, ये रुपीज ले लेता है. मान लीजिए मिस्टर बी से रुपीज ले लिए और मिस्टर बी को डॉलर दे दिए. कैन आई से दिस इज द करेंसी कन्वर्जन, रुपीज ले लिए डॉलर्स दे दिए. तो अगर आप करेंसी कन्वर्जन में हो, या मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर बी से 2000 का नोट लेता है और 100-100 रुपए के नोट दे देता है. कैन आई से डिनोमिनेशन चेंज है. हाँ, और इसके लिए मिस्टर ए कमीशन चार्ज करता है, तो इसे सर्विस माना जाएगा. फिर से कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझा फिर से अपन समझेंगे. सर्विस वर्ड डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 102 में, ये तो क्लियर हो गया. इट मींस एनीथिंग, हर चीज, है ना, इट मींस एनीथिंग, हर चीज सर्विस है. सिर्फ गुड्स नहीं है, मनी नहीं है और सिक्योरिटीज नहीं है. बट अगर आप करेंसी या उसके डिनोमिनेशन के कन्वर्जन के चेंज में हो, मतलब आप करेंसी को कन्वर्ट करके देते हो या करेंसी के डिनोमिनेशन के लिए चेंज करते हो, फॉर विच अ सेपरेट कंसीडरेशन इज चार्ज. मतलब मिस्टर ए क्या कर रहा है, मिस्टर ए रुपीज ले रहा है, डॉलर दे दे रहा है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है. या मिस्टर ए 2000 रुपए का नोट लेता है और 100-100 रुपए के नोट देता है और इसके लिए वो कमीशन चार्ज कर रहा है. क्या सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज किया जा रहा है ऐसी एक्टिविटी के लिए? हाँ, अगर आप मनी की कन्वर्जन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो फिर ये सर्विस माना जाएगा. क्लियर हो गया, समझा? ठीक. तो अपन ने बिजनेस वर्ड देख लिया, अपन ने गुड्स वर्ड देख लिया, अपन ने सर्विस वर्ड देख लिया. अब अपन आते हैं सेक्शन 7. सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया सप्लाई. क्या डिफाइन किया गया? सप्लाई. सप्लाई वर्ड को जो डिफाइन किया गया है फ्रेंड्स, वो डिफाइन किया गया है 4 सबसेक्शंस में. कितने सबसेक्शंस में? 4. 1, 1A, 2 और 3. ठीक है, 4 सबसेक्शंस में डिफाइन किया गया, 1, 1A, 2 और 3. सेक्शन 7 में जो सप्लाई वर्ड डिफाइंड है उसके 4 सबसेक्शन है. सेक्शन 7 इज डिवाइडेड इनटू 4 सबसेक्शन. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, सेक्शन 7 1A, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 3. सबसे पहले अपन समझते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में जो डिफाइन किया गया, सबसे पहले डिफाइन किया गया सप्लाई इंक्लूड्स ए. ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, रिलिंक्विशमेंट. देखिए क्या क्या बोला गया है, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल. रिलिंक्विशमेंट नहीं आएगा. लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल. मतलब ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. देखो क्या किया है, सप्लाई इंक्लूड्स. अगर आपने गुड्स या सर्विसेज का सेल किया, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, लाइसेंस किया, रेंटल पे दिया, लीज पे दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब आपने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया है, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया है, गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफर किया है, गुड्स और सर्विसेज के साथ बार्टर किया है, गुड्स और सर्विसेज को लाइसेंस पे दिया है या रेंट पे दिया है या लीज पे दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया है, तो वो सप्लाई है.
तो गुड्स और सर्विसेज को अगर आपने सेल किया, एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, रेंटल पे दिया, लीज पे दिया, डिस्पोजल पे दिया, और अगर आपने गुड्स और सर्विसेज के साथ ऐसा कुछ किया तो उसे सप्लाई माना जाएगा. दिस इज 7(1)(a). अब 7(1)(b) क्या बोलता है? 7(1)(b) बोलता है अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, ठीक है, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक, अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस. तो अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, मतलब आप इंडिया के बाहर से अगर इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस, तो मान लीजिए मेरे को सिंगापुर घूमने जाना था, मैंने एक सिंगापुर के एजेंट को पकड़ा और बोला मेरा पूरा ट्रिप प्लान करके दे, तो कैन आई से मैंने इंपोर्ट करी है सर्विस? बिल्कुल. तो अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं सर्विस जिसके लिए मैं उसको कमीशन दे रहा हूं, तो अगर मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं जिसके लिए मैंने कंसिडरेशन दिया, चाहे वो मेरे बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे भी सप्लाई माना जाएगा. तो अगर आप इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, जिसके लिए आपने उसको कंसिडरेशन पे किया, तो अगर मान लीजिए मुझे सिंगापुर घूमने जाना था, मैंने सिंगापुर के एक एजेंट को पकड़ा और बोला मेरा पूरा ट्रिप प्लान करके दे, तो मैं तो इंडिया में हूं, मैंने सिंगापुर के एजेंट से सर्विस ली, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया. बराबर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, तो मैंने उसके लिए उसको पैसे दिए होंगे, कंसिडरेशन पे किया, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, उसे भी सप्लाई माना जाएगा. तो पहला क्या था? 7(1)(a), ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर आपने गुड्स और सर्विसेज का सेल किया, एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, रेंटल पे लिया, लीज पे दिया, डिस्पोज ऑफ किया, फॉर अ कंसिडरेशन, जिसके लिए आपने पैसे चार्ज किए, विद फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए, क्लियर? तो सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, रेंटल, डिस्पोजल, सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, डिस्पोजल, बार्टर, रेंटल, लाइसेंस, लीज और डिस्पोजल, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है कंसिडरेशन लेके बिजनेस के लिए, तो वो माना जाएगा सप्लाई. 7(1)(b) बोलता है अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, कंसिडरेशन पे करके इंपोर्ट करी है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे भी हम सप्लाई मानेंगे. 7(1)(c) क्या बोलता है? 7(1)(c) बोलता है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन मेड और एग्रीड टू बी मेड विथाउट कंसिडरेशन, तो ऐसी एक्टिविटीज जो कहां स्पेसिफाइड है, शेड्यूल वन में स्पेसिफाइड है, अगर वो आप या तो कर चुके हो मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो करने वाले हो, तो जो एक्टिविटीज शेड्यूल वन में लिखी हैं, या तो आप वो कर चुके हो या करने वाले हो, बराबर, एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल वन जो आप कर चुके हो मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब शेड्यूल वन में लिखी गई बातें अगर आपने फ्री में भी करी तो सप्लाई माना जाएगा. तो 7(1) अपन एक बार वापस समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया सप्लाई. 7(1)(a) क्या बोलता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज के साथ आपने सेल किया, एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, लाइसेंस पे दिया, रेंटल पे दिया या डिस्पोजल कर दिया, मेड और एग्रीड टू बी मेड, बराबर, या तो कर चुके हो मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो कर चुके हो या तो करने वाले हो, फॉर अ कंसिडरेशन पैसे के लिए, फॉर अ बिजनेस, बिजनेस के लिए. तो ये सारी एक्टिविटीज तभी सप्लाई मानी जाएंगी, जब आपने पैसे लिए इनके लिए, फ्री में किए गए काम को फिर सप्लाई नहीं है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए. 7(1)(b) बोलता है अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है पैसे देके, आपने फ्री में नहीं लिया, आपने इंडिया के बाहर से सर्विस इंपोर्ट करी पैसे दिए, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे सप्लाई माना जाएगा. 7(1)(c) बोलता है जो एक्टिविटी शेड्यूल वन में लिखी गई है वो आप चाहे फ्री में करो या पैसे देके करो, उसे हम सप्लाई मानेंगे. क्लियर? तो देख लेते हैं 7(1)(a) क्या बोलता है. देखो, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. तो अगर आपने गुड्स और सर्विसेज का सेल किया,
एक्सचेंज किया, ट्रांसफर किया, बार्टर किया, लाइसेंस किया, रेंटल लीज या डिस्पोजल किया, या तो कर चुके हो और करने वाले हो फॉर अ कंसिडरेशन फॉर द बिजनेस, तो सप्लाई है. बिजनेस के लिए नहीं है तो सप्लाई नहीं है. अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है फॉर अ कंसिडरेशन, फ्री में ली है, तो सप्लाई नहीं है. क्योंकि 7(1)(b) भी क्या बोल रहा है, अगर आपने सर्विस क्या करी है, इंपोर्ट फॉर अ कंसिडरेशन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस के लिए हो या ना हो. Thus, if a person avail any service from outside India for a consideration, whether for business or personal use, then such transaction shall be subject to GST in the hands of the person availing the service under reverse charge. तो अगर आपने इंडिया के बाहर से सर्विस ली और उसके लिए पैसे दिए, चाहे बिजनेस के लिए ली हो या पर्सनल ली हो, आपको उसे सप्लाई मानना पड़ेगा. The activities specified in Schedule 1, जो activities कहाँ लिखी हैं? Schedule 1 में लिखी हैं. Made or agreed to be made without consideration, free में भी करी हैं, तो भी उसे supply माना जाएगा. Clear? This is Section 7, Subsection 1. अब आते हैं Section 7, 1A पे. Section 7, 1A पे. 1A क्या बोलता है? देखो, 1A बोलता है, activities specified in Schedule 2. अब आते हैं Schedule 2 पर. एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू डिफाइन वॉट इज ट्रीटेड एज गुड्स एंड वॉट इज ट्रीटेड एज सर्विस. शेड्यूल टू में यह बताया गया है कि कौन सी चीजों को गुड्स मानना है और कौन सी चीजों को सर्विस. फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट. अभी रेस्टोरेंट को आप गुड्स मानोगे या सर्विस मानोगे? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बना के कोई आपको दे रहा है, तो वो गुड्स मानोगे कि सर्विस मानोगे? तो शेड्यूल टू ने ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है. 7(1)(a) बोलता है, शेड्यूल टू में हमने ये बता दिया है कि कौन सी चीजें गुड्स हैं और कौन सी चीजें सर्विस हैं. क्लियर? अब आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 पर. सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस, ए एंड बी. ए बताता है एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3. जो बातें शेड्यूल 3 में लिखी हैं, नाइदर टू बी ट्रीटेड एज गुड्स नॉर टू बी ट्रीटेड एज सर्विस. शेड्यूल 3 में लिखी गई बातों को ना आपको गुड्स मानना है ना आपको सर्विस मानना है. मतलब ना वो गुड्स हैं ना वो सर्विस है. जब वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है तो जीएसटी लगेगा नहीं. तो शेड्यूल 3 बात करता है फ्रेंड्स नेगेटिव लिस्ट की. किसकी बात करता है? नेगेटिव लिस्ट की. शेड्यूल सेक्शन 2 सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 का ए पॉइंट बोलता है कि जो बातें शेड्यूल 3 में लिख गई हैं उन्हें ना गुड्स मानना है ना सर्विस मानना है. जब वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो नेगेटिव लिस्ट हो गया. सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है. क्या बोलता है क्लॉज बी? सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी बोलता है, एंड द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी शैल नॉट बी treated as goods or service. जो सर्वे जो चीजें कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कर रहा है, जिनको नोटिफाई किया गया है. क्लियर? उसे भी ना गुड्स मानेंगे ना सर्विस मानेंगे. तो वापस एक बार देखते हैं. देखो फिर अपन सबसेक्शन 3 पे जाएंगे. एक बार वापस चलते हैं. सेक्शन 7 में सप्लाई वर्ड को डिफाइन किया गया. सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या डिफाइन करता है? सप्लाई इंक्लूड्स ए ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, रेंटल, लाइसेंस, लीज और डिस्पोजल. अगर आपने गुड्स और सर्विसेज के साथ इनमें से कोई भी एक्टिविटी करी, या तो कर चुके हो मेड या करने वाले हो एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए और बिजनेस के लिए की हो तो सप्लाई मानेंगे. पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो सप्लाई नहीं है. बिजनेस के लिए नहीं है तो सप्लाई नहीं है. 7(1)(b) बोलता है, अगर आपने इंपोर्ट करी है सर्विस जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं, कंसीडरेशन दिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसीडरेशन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी तो उसे सप्लाई मानेंगे. 7(1)(c) क्या बोलता है? जो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में लिखी गई है
या तो वो आपने कर दिए मेड और एग्रीड टू बी मेड, फ्री में ही क्यों ना की हूं विदाउट कंसिडरेशन, उसे भी हम सप्लाई मानेंगे। अब 7(1)(a) क्या बोलता है, अगला सबसेक्शन 7(1)(a) बोलता है जो एक्टिविटीज शेड्यूल 2 में लिखी गई हैं वो बता दी गई हैं कि क्या गुड्स है और क्या सर्विस है। तो शेड्यूल 2 में एक चार्ट है, उसमें बता दी गई है ये एक्टिविटी गुड मानो, ये एक्टिविटी सर्विस मानो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इज डिवाइडेड इनटू टू क्लॉजेस ए और बी। 7(2)(a) बोलता है जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में लिख गई, कहां पर, शेड्यूल 3 में, जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में लिख गई वो ना गुड्स है ना सर्विस है। जब वो गुड्स भी नहीं है सर्विस भी नहीं है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, सप्लाई नहीं मानेंगे, तो वो कहलाती है नेगेटिव लिस्ट, उस लिस्ट को बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। 7(2)(b) क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी की नोटिफाइड सर्विसेज को भी ना आपको गुड्स मानना है ना सर्विस मानना है, क्लियर। अब आते हैं सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 पर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई व्हाट टू बी ट्रीटेड एज गुड्स, व्हाट टू बी ट्रीटेड एज गुड्स एंड नॉट एज सर्विस, व्हाट to be treated as service and not goods. Section 7 subsection 3 power देता है कि GST council के कहने पर, section 7 subsection 3 power देता है कि GST council के कहने पर central government ये बता सकती है कि क्या goods हैं, अब जो goods हैं वो service नहीं है, और क्या service है, जो service है वो goods नहीं है। तो कभी अगर confusion हुआ कि यार ये गुड्स हैं या सर्विस है, कभी अगर कंफ्यूजन हुआ कि ये गुड्स हैं या सर्विस है, तो जीएसटी काउंसिल के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी कि ये गुड्स हैं और ये सर्विस है। तो सर शेड्यूल 2 में भी तो वही था, नहीं, देखो शेड्यूल 2 में तो डिफाइंड चीजें हैं कि ये गुड्स है और ये सर्विस है, लेकिन सारी बातें वहां डिफाइंड नहीं करी। तो मान लीजिए कोई चीज छूट गई है, अब उसको लेके कंफ्यूजन हो गया कि वो गुड्स है कि सर्विस है, शेड्यूल 2 में तो लिखा ही नहीं है। तो जीएसटी काउंसिल के कहने पर 7(3) में पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है, जीएसटी काउंसिल के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है कि ये गुड्स हैं तो सर्विस नहीं है और ये सर्विस है तो गुड्स नहीं है। तो एक बार अपन अब पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन ने देखा बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 17 में, गुड्स की डेफिनेशन मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 क्लॉज 52 में, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। तो सारी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, मनी और सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स हैं बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, बराबर। उसके बाद अगर ग्रोइंग क्रॉप्स है, उसके बाद फिर आपका ग्रास है या एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ जिसको पहले सीवियर करना पड़ता है बेचने के पहले, किसी को देने के पहले, तो वो गुड्स माने जाएंगे। सर्विस सेक्शन 2 क्लॉज 102 में, एनीथिंग अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज एंड गुड्स, गुड्स मनी और सिक्योरिटीज को छोड़ दो तो बाकी सब चीजें सर्विस मानी जाएंगे। हाँ अगर आप मनी में डील कर रहे हो उसके डिनोमिनेशन को चेंज करने में, उसकी करेंसी को चेंज करने में, तो वो सर्विस मानी जाएगी अगर आप उसके लिए कंसिडरेशन चार्ज करो। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये भी अपन डिटेल में समझेंगे। फिर सेक्शन 7 में क्या डिफाइन किया गया फ्रेंड्स, सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया सप्लाई। 7(1)(a) कैसे डिफाइन करता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल एक्सचेंज ट्रांसफर बार्टर रेंटल लीज डिस्पोजल या मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ बिजनेस। तो अगर आपने 7(1)(a) ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने गुड्स या सर्विसेज या दोनों सेल करी एक्सचेंज करी ट्रांसफर करी बार्टर करी लाइसेंस पे दी रेंटल पे दी लीज पे दी या डिस्पोजल पे दी, या तो कर दी या एग्रीड टू बी मेड या करने वाले हो जिसके लिए आपको कंसिडरेशन मिलेगा बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हो तो ये सप्लाई है। अगर आपने इम्पोर्ट करी है सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, इंडिया के बाहर से आप सर्विस ले रहे हो उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हो, बराबर, इंडिया के बाहर से आप सर्विस ले रहे हो उसके लिए कंसिडरेशन पे कर रहे हो चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। शेड्यूल 1 में लिखी गई बातें आपने फ्री में भी करी हैं तो उसे भी सप्लाई माना जाएगा। 7(1)(a) बोलता है, शेड्यूल 2 में डिफाइन कर दिया गया है क्या गुड्स हैं और क्या सर्विस है। 7(2)(a) बोलता है जो एक्टिविटीज शेड्यूल 3 में लिखी हैं वो नेगेटिव लिस्ट है, ना उसे गुड्स मानना है ना उसे सर्विस मानना है। 7(2)(b) बोलता है, 7(2)(a) हो गया, 7(2)(b) बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी द्वारा दी गई सर्विसेज अगर नोटिफाइड है
जो काम लोकल अथॉरिटी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, अगर वो नोटिफाइड है तो उसे भी ना गुड्स मानो ना सर्विस मानो। 7.3 बोलता है जीएसटी काउंसिल के कहने पर, है ना, रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के कहने पर सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। किसको गुड्स मानना है तो वो सर्विस नहीं मानेंगे, किसको सर्विस मानना है तो उसे गुड्स नहीं मानेंगे। क्लियर?